पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से दिए ज्ञापन में रोष व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान परशुराम और अक्षय तृतीया पर अवकाश समाप्त किया जाना खेद का विषय है, जबकि राजस्थान सरकार ने इस दिन का अवकाश घोषित किया है। इस दौरान सभी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन हस्तगत कराया। ज्ञापन में मांग की गई कि इन दोनों दिवस का अवकाश पुनः बहाल किया जाए। ज्ञापन देने वालों में शिव कुमार, शिवम शर्मा, राजेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। भगवान परशुराम का जन्मदिन अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। पूरे देश में इस दिन को भगवान परशुराम के जन्मदिन के रूप में पूरा देश मनाता है और पूरे देश में जो है अक्षय तृतीया को अवकाश रहता है और ब्राह्मणी नहीं सर्व समाज के लोग भगवान परशुराम के जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में ये सरकार आई है, इसने आते ही सबसे पहले ये काम किया का महापुरुषों के अवकाशों को, जन्मदिन के अवकाशों को कैंसिल किया, निरस्त किया। लेकिन हम आपको बता दें, भगवान परशुराम महापुरुष नहीं थे, वो भगवान थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, इसलिए उनके अवकाश कैंसिल होने का कोई औचित्य नहीं है। पूरे देश का ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम के जन्मदिन के दिन को अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि इसी पार्टी की सरकार राजस्थान में है, उन्होंने भगवान परशुराम के जन्मदिन को अवकाश के रूप में घोषित कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती। तो हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से है कि भगवान परशुराम के जन्मदिन को राजस्थान सरकार की तरह से अवकाश घोषित करे। यदि अवकाश घोषित करते हैं तो ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।